सकते थे। और जिस कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट से एक सप्ताह पहले बनाई गई। ये सब मैंने पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला। मैंने मोदी जी को यह भी बोला कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि फ्रांस के साथ एक सीक्रेट पैक्ट में लिखा है कि हवाई जहाज का दाम हिंदुस्तान की जनता को नहीं बताया जा सकता है। डिफेंस मिनिस्टर ने यह बात बोली, फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए, मैं उनसे मिला और मैंने उनसे यह बात पूछी। मैंने उनसे फ्रांस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पूछा, मैक्रॉन जी आप मुझे बताइए क्या सीक्रेट पैक्ट में यह लिखा है कि राफेल हवाई जहाज का दाम हिंदुस्तान की जनता को बताया नहीं जा सकता है। उनका जवाब मिलता है कि सीक्रेट पैक्ट में राफेल हवाई जहाज का दाम शामिल नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार राफेल का दाम पूरे देश को बता सकती है, फ्रांस की सरकार को कोई इतराज नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री से बोला कि आपने हिंदुस्तान को झूठ क्यों बोला, जवाब नहीं मिला। जब मैंने नरेंद्र मोदी को यह कहा, जो मैंने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी जी अपनी आंख मेरी आंख में नहीं मिला पाए। आपने स्वयं टीवी में देखा, कभी उधर देख रहे थे, कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि चौकीदार भागीदार बन गया है, चौकीदार ने भ्रष्टाचार किया है। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट से आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।